हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स के फंडे, द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं, ठीक है? चैप्टर वन का थर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट दो लेक्चर कंप्लीट किए, उसमें चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने देखी और चार्ज के रिलेटेड जो भी मतलब पूरी हिस्ट्री थी वो सब हमने फर्स्ट दो लेक्चर में पढ़ लिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग मेथड। हमने देखा कि भी कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी है उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है? सो आवर टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग। देर आर टू मेथड्स मेनली, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है? मतलब डायरेक्ट हम दोनों को टच करके चार्जिंग कर सकते हैं, दूसरा विदाउट टचिंग उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो दो मेथड के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? सो आवर फर्स्ट द मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ, देर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड और वी कैन से चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट और वी कैन से मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन? तो ये जनरली होता है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक है? इट इज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, by direct contact of object। समझ में आ गया? कैसे? मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक यहां पे बॉडी ले ली, ठीक है? एक हमने यहां पे एक बॉडी ले ली और ये बॉडी जो है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना के रखा है। यहां पे ये बॉडी कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। हमने क्या किया, एक बॉडी ली, मतलब एक कंडक्टर लिया, ठीक है ना? ये कंडक्टिंग बॉडी या इंसुलेटिंग बॉडी कोई भी हो सकती है, हम यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग बॉडी ली और उसको हमने कैसा कर दिया है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली और दूसरी जो बॉडी ली, मतलब ये इसको हम नाम दे देंगे ए और दूसरी जो ली हमने वो उसको नाम दे दिया बी, ठीक है? अभी दूसरी जो बॉडी है ये हमने कैसी ली, न्यूट्रल बॉडी ली। न्यूट्रल बॉडी दैट मींस देयर इज नो चार्जेस इनसाइड द बॉडी, दैट मींस द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, ओके? सो द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी रिमेंस जीरो, सो वी कैन से दैट इज अ न्यूट्रल बॉडी, ओके? तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ली, दूसरी हमने न्यूट्रल बॉडी मतलब ये दो बॉडी ली। अभी ये दोनों बॉडी को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ले लिया, एक दूसरे को टच कर दिया, ठीक है ना? एक एक बॉडी ली, दूसरी बॉडी ली, एक दूसरों मतलब दोनों को एक एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना? कांटेक्ट में ला दिया दोनों को। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों को कांटेक्ट में ला दिया। तो यहाँ पे ये ए बॉडी और ये बी बॉडी जब एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में आती है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ना, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट कर दिया दोनों को। तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज जीरो है, तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी वो इसका चार्ज जो है वो किस में चला जाएगा, इस ये बॉडी में, मतलब बी बॉडी में। ए बॉडी का चार्ज किस, कौन सी बॉडी, बी बॉडी में चला जाएगा। और अभी उसको अगर हम एक दूसरे से दूर कर देंगे, थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। कैसी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, उसके बाद कोई चार्ज का ट्रांसफ़र या चार्ज एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक्चुअली ये इंस्टेंट होता है, ये कंडीशन कैसी होती है, इंस्टेंट होती है, इन माइक्रो सेकेंड्स ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अभी
मैंने क्या कर दिया, ए बॉडी और बी बॉडी दोनों को अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। अभी ए बॉडी के पास भी नेगेटिव चार्ज है और बी बॉडी के पास भी नेगेटिव चार्ज है। मतलब देखो हमने क्या किया, पहले एक बॉडी ऐसी बॉडी ली जिसके पास चार्ज नहीं था। ओके, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑब्जर्व्ड द बॉडी विच हैव नो चार्ज हैज अ नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे उसके पास चार्ज नहीं था, यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये चार्ज हुई वो कौन सी मेथड हमने यूज़ की, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमने एक दूसरे को टच कर दिया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले लिया, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेने के बाद ये दोनों बॉडी जो है चार्ज बॉडी हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल मास और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो, अभी चलो पहले एक काम करो, ये इतना लिख लो आप या फिगर बना लो, हो गई फिगर। तो यहां पे आपको नोट करके लिखना है, क्या नोट करके लिखना है कि कंडीशन क्या आपको ध्यान में रखनी है। अगर साइज शेप मटेरियल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विल रिमेन सेम, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की साइज शेप एंड मटेरियल सेम होगा तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा, दोनों के ऊपर जो चार्ज हमें देखने को मिलेगा वो डिवाइडेड चार्ज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर चार्ज q है तो यहाँ पे दोनों पे q/2 मिलेगा। समझ में आ गया, समझ में आया। चलो मैं लिखवाता हूँ आपको, आप वो लिखते जाइए मेरे साथ साथ, नोट्स बनाते जाइए आप मेरे साथ। नोट्स बनाते जाओगे तभी आपको ये सब काम में आएगा, अदरवाइज आपने वीडियो देख लिया खत्म, आपको समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाते जाओ और उसको रिविजन करते जाओ, ठीक है। चलो क्या बात थी, द साइज शेप एंड मटेरियल ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम, देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व हियर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी इक्वल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन बोथ बॉडीज विल बी इक्वल। समझ में आए, ठीक है। चलो इसकी मैं एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ दिखेगा कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ए बॉडी ले ली, ठीक है, उसके ऊपर मैंने चार्ज कितना डाल दिया है, क्यू चार्ज डाल दिया है। दूसरी बॉडी मैंने कौन सी बॉडी ली, बी बॉडी ली, उसके ऊपर का चार्ज मैंने क्या लिया है, जीरो, इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना, इसके ऊपर चार्ज जीरो है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है। मैंने दोनों को एक दूसरे के साथ टच कर दिया, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले लिया, मैंने एक दूसरे को टच करवा दिया, कंडक्शन हुआ यहाँ पे, किसका कंडक्शन हुआ, चार्ज का कंडक्शन हुआ। तो अभी इस यहाँ पे दोनों को मतलब टच करवाने के बाद मैं जब उसको डिफरेंट मतलब अलग अलग करूँगा ए और बी को, तो इसके ऊपर चार्ज क्यू बाय टू होगा और इसके ऊपर भी चार्ज कैसा रहेगा, क्यू बाय टू। मतलब यहाँ पे एक के ऊपर चार्ज q है, दूसरे के पास चार्ज जीरो है, दोनों को टच कर दिया तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो देखने को मिलेगा वो q/2 देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना, ओके चलो। तो इतना लिख लो जल्दी से, नेक्स्ट जो हमारी मेथड है, दूसरी मेथड के बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो हमने देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट या मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, विदाउट कॉन्टेक्ट चार्जिंग करना है हमें कोई बॉडी को, लेकिन विदाउट कॉन्टेक्ट किसी बॉडी में हमें चार्ज इंड्यूस करना है लेकिन विदाउट कॉन्टेक्ट। सो वी कैन राइट हियर, ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन दैट इज द चार्जिंग ऑफ बॉडी
चार्जिंग ऑफ बॉडी विल टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्टेक्ट. वेरी गुड, विदाउट कॉन्टेक्ट. मेरे साथ बोलते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है? मन से बोलना है, पागल समझेंगे कोई. क्या बक रहा है ऐसे? मन से बोलते जाना है मेरे साथ. चलो भाई, चार्जिंग ऑफ बॉडी विथ टेक विल टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्टेक्ट. विदाउट कॉन्टेक्ट. इसके लिए मैं कुछ फिगर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, और उसको हम थोड़ा डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दो पिथ बॉल ले लेते हैं. पिथ बॉल या फिर बोल देते हैं बॉल ले लेते हैं, ठीक है ना? हम क्या करते हैं, दो बॉल ले ली हमने. क्या किया, दो, मैं थोड़ा साइड में करता हूँ ना, पूरा आ जाएगा इसमें. क्या किया, दो बॉल्स ले लिए. ओके, दोनों का मतलब साइज शेप वो मटेरियल सब सेम है. उसको इंसुलेटेड क्या किया हमने, इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा कर दिया, ठीक है ना? एक ए बॉल हो गया, एक बी बॉल हो गया, दोनों को क्या कर दिया, इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा कर दिया. ये क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है? इंसुलेटेड स्टैंड पे मैंने क्या कर दिया, दोनों को खड़ा कर दिया. अच्छा, अभी ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, टच करवा देता हूँ एक दूसरे के साथ. यहाँ पे टच करके ऐसे दोनों को खड़े कर देते, मतलब खड़ा कर देते हैं, ठीक है? क्लियर? अभी इसके ऊपर ये हमारी ए बॉडी हो गई, ये हमारी बी बॉडी हो गई. मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास रोड को किसके साथ, वुल के साथ घिस के लेके आता हूँ, ठीक है? अभी मुझे बताओ कि अगर मैं इसको वुल के साथ रब कर दिया हूँ तो इसके अंदर चार्ज कितना रहेगा. हमारे पास ये क्या है, ग्लास रोड है, और ग्लास रोड पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. मैं इसको पकड़ के इधर नज़दीक ले, उसको टच नहीं करना है. यहाँ पे ये बॉडी इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है. यहाँ पे मैं जैसे इसको लेके आता हूँ, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज है ना, जो नेगेटिवली चार्ज है इस ये बॉडी का और ये बॉडी का, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम, मतलब देखो यहाँ पे क्या मतलब, दो दो फिगर में मैं समझाता हूँ. और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज, अभी ये पॉजिटिव इस साइड आया तो ये बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज हो गए वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. मेल फीमेल, मेल फीमेल, ऑलवेज मेल फीमेल के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन. वैसे यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है? प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया. ये कौन सा, क्यों पॉजिटिव चार्ज हो गया? देखो हमारे पास ये बॉडी है, अगर ये बॉडी के पास मैं कुछ कोई पॉजिटिव बॉडी लेके आता हूँ तो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी का पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन होगा ना. पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव, मतलब रिपल्सन की वजह से इससे दूर, मतलब दूर चला जाएगा. अभी ये चार्ज यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, एस्केप मतलब भाग नहीं सकता. क्यों नहीं भाग सकता, तो उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो हमारे पास बॉडी है, ये इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है ना, वो वर्क फंक्शन थोड़ा हायर होता है. वर्क फंक्शन कैसा होता है, हायर होता है. और हायर वर्क फंक्शन की वजह से ये जो हमारे पास जो चार्ज है वो बॉडी के सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है? ये सिर्फ ये बॉडी के सरफेस पे यहाँ पे और ये बॉडी के सरफेस पे यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन वो सरफेस से एस्केप नहीं हो पाएंगे, ठीक है? क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई ग्लास रोड जब मैं लेके आता हूँ तो नेगेटिवली चार्ज ए बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो पूरा इस साइड एक्युमुलेट हो जाएगा. और पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पे रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन की वजह से दूसरी साइड जो यहाँ से अगर मैं डिवीजन कर दूँ तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया.
अभी देखो ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव, ये पोर्शन पॉजिटिव हुआ, बी साइड वाला पोर्शन पॉजिटिव हुआ, तो बी का जो ए साइड वाला पोर्शन है वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन होगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा, ठीक है। और इस साइड अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी आफ्टर सम टाइम्स मतलब अब क्या हुआ, थोड़ी देर हमने ये जो दो बॉडीज है उसको टच करके रखा, और टच करके रखने की वजह से ये बॉडी में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या क्या हुआ, हमने अभी तक ये जो ग्लास रोड है ना वो एज इट इज रखा है, ग्लास रोड को यहाँ से हटाया नहीं और उसको टच भी नहीं किया, टच भी नहीं किया और उसको वहाँ से हटाया भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो इसका जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो बाय कंडक्शन यहाँ बाय मतलब दोनों को टच कर दिया ना, दोनों को टच कर दिया तो कंडक्शन होने वाला है, तो बाय कंडक्शन यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, तो ये पूरा जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और ये पूरा जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। मतलब हमारी ए बॉडी जो है वो पूरी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और बी बॉडी जो है वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या किया हमने, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, विद इन माइक्रोसेकेंड ये ग्लास रोड भी हटा दिया और दोनों को अलग भी कर दिए। क्या कर दिया हमने, ये ग्लास भी, ग्लास रोड भी यहाँ से रिमूव कर दिया और ये दोनों को भी अलग कर दिए, ठीक है ना, ए और बी को दोनों को अलग कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिलेगी बॉडी, ये दो बॉडी मिली, कैसी बॉडी मिली, दो बॉडी मिली, और ये दो बॉडी मिली वो दोनों कैसी थी, पहले हमने क्या देखा था कि दोनों के ऊपर चार्ज जो था वो कैसा था, जीरो था। इसके दोनों के ऊपर का चार्ज कैसा था, जीरो था, इसके पास चार्ज नहीं था, इसके पास भी चार्ज नहीं था। हमने क्या किया, ग्लास रोड लेके इसको चार्ज किया, है ना, चार्ज कौन सी मेथड से किया, बाय इंडक्शन, बाय इंड्यूस हुआ, इंडक्शन मतलब बाय इंड्यूसिंग, वी हैव इंड्यूस्ड अ चार्ज इन अ बॉडी बाय यूजिंग अ ग्लास रोड विच हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और वी कैन से इट। इसको अगर देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, अगर मुझे ये बॉडी को पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ग्लास प्लास्टिक रोड अगर मैं लेके आता तो क्या होता, ए बॉडी जो है वो पॉजिटिव हो जाती, बी बॉडी जो है वो नेगेटिव हो जाती, सिर्फ इंटरचेंज हो जाते, ठीक है ना, और कुछ नहीं है उसमें उतना ध्यान नहीं देने का। तो ये पूरी बॉडी जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज और ये जो पूरी बॉडी जो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है, ये ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज, ये बी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये मैंने जो आपको समझाया है उस हिसाब से आप लिखते जाइए, कैसे लिखना है, लेट अस टेक मतलब सबसे पहले दो हमें स्फेरिकल स्फीयर्स लेने हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज ए और बी, दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, जीरो है, उसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देना है। उसके बाद हमें ग्लास, वी हैव टू टेक अ ग्लास रोड नियर टू अ बॉडी ए एंड बी, एंड बोथ ए एंड बॉडी आर कनेक्टेड बाय मतलब बोथ आर इन टच, बोथ आर इन टच, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जब तक नहीं आ जाती तब तक हम ये बॉडी को ऐसे ही रखेंगे, दोनों को टच रखेंगे, और यहाँ पे ग्लास रोड है वो उसको भी पकड़ के रखेंगे। और यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं, इंस्टेंटली हम क्या करते हैं, मतलब ये एक 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 ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है ना, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन या तीसरा स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो फोर स्टेप बना के आपको पूरा थियरी आपको लिखनी है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीके? तो आप ये आप लिख लो, चलो जल्दी से अपने हिसाब से लिख लो, पहले पोज करके, पहले ये मैंने जो समझाया वो आप लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, पोज करके पहले लिख लो पूरा फर्स्ट मतलब स्टेप वन, ऐसे स्टेप वन क्या किया हमने, स्टेप वन में क्या किया, वी हैव ब्रिंग अ टू, क्या किया, वी हैव ब्रिंग अ टू स्फेरिकल स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग चार्ज जीरो, ओके, एंड केप्ट दैट स्फीयर्स ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड, दैट विल बी द स्टेप वन। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, द सेकेंड स्टेप इज नथिंग बट वी हैव टच ए एंड बी स्फीयर्स एंड ब्रिंग अ ग्लास रोड नियर टू इट, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड नियर टू इट, देर इज ऑब्जर्व, देर इज ऑब्जर्व, देर इज
attraction between two charges observed, that is positive charge will attract negative charge of body A, and that charge will comes near to the surface of A towards glass rod. ओके यहाँ पे आ जाएगा, और उसको बाद में यहाँ पे ये जो मैंने आपको समझाया ऐसे आपको लिख देना है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना, स्टोरी के रूप में आपको लिख देना है. स्टेप थ्री में क्या होता है, तो स्टेप थ्री में हमें इक्विलिब्रियम होने देना है, ठीक है. स्टेप थ्री में क्या होने देना है, वी हैव टू ब्रिंग देम अप टू इक्विलिब्रियम कंडीशन. जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है तब तक उसको हमें हटाना नहीं है. उसके बाद स्टेप फोर क्या होता है कि स्टेप फोर में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, तो सडनली हम क्या करते हैं, ग्लास रोड को भी रिमूव कर देते हैं इंस्टेंटली, और वी कैन से सडनली ग्लास रोड को भी रिमूव कर देते हैं, वहाँ से ले लेते हैं और दोनों को मतलब जो टच किए हुए हैं दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा, और अभी ये होने के बाद इसके अंदर एक ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, बी बॉडी नेगेटिव. अगर रिवर्स मतलब इसको मुझे क्या करना है, ए बॉडी को नेगेटिव करना है, ए बॉडी को पॉजिटिव करना है, बी बॉडी को नेगेटिव करना है, तो क्या करेंगे, ग्लास रोड की जगह पे मैं यहाँ पे प्लास्टिक रोड ले लूँगा जो नेगेटिवली चार्ज, या फिर कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेनी है, ठीक है. समझ में आ गया ना, ओके चलो तो लिख लो जल्दी से, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है. इसके कुछ पॉइंट्स है. अच्छा एक क्वेश्चन है आपकी बुक का कि अगर इफ हमें एक ही बॉडी को चार्ज करनी है तो कैसे करेंगे, इफ वी हैव टू चार्ज अ सिंगल बॉडी सिंगल स्फीयर हाउ कैन वी चार्ज दैट बॉडी. सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट. मुझे क्या बोला कि मुझे एक ही बॉडी चार्ज करनी है, दूसरी बॉडी मुझे लेके नहीं आना है, ठीक है. ये बॉडी मैंने ए बॉडी ले ली, ठीक है. तो क्या करेंगे, ये बॉडी इसके ऊपर चार्ज कैसा है, जीरो. मैं दूसरी एक बॉडी लेके आता हूँ जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, या फिर नेगेटिवली चार्ज भी लेके आ सकता हूँ. पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है वो इस सरफेस के साइड आ जाए, लेफ्ट सरफेस ऑफ ए आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड आ जाएगा, राइट सरफेस ऑफ द ए बॉडी आ जाएगा. अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अर्थ कर देता हूँ. अर्थ करना मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करके उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है. मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को कौन एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो ये पॉजिटिव बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर एलिमिनेट कर देगा, और हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. और हमें सडनली अभी जब मतलब ये कहाँ तक ये हमें रखना है, जब तक पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज ना हो जाए, उसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है. और उसके बाद हमने क्या किया, सडनली दोनों मतलब अर्थ जो हमने अर्थ कनेक्शन लिया किया था वो, और यहाँ से ग्लास रोड दोनों को निकाल दिया, तो हमें ये बॉडी पूरी कैसी बॉडी मिलेगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिलेगी. समझ में आ गया, क्लियर. अच्छा अभी देखो ये निकाल दिया तो हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिल गई. अगर ये मतलब ये जो हमारे पास ग्लास रोड की जगह पे प्लास्टिक रोड होता है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल. तो ये मेथड है. तो ये जो है ये मेथड कौन सी, तो अगर मुझे सिंगल, इफ आई वॉन्ट टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इफ चार्जिंग ऑफ सिंगल बॉडी, और वी कैन से चार्जिंग ऑफ सिंगल बॉडी बाय यूजिंग कौन सी मेथड, इंडक्शन मेथड, ठीक है. तो इस सिंगल बॉडी को भी ऐसे हम चार्ज कर सकते हैं, क्लियर, ओके हो गया, लिख लो. चलो मैं कुछ पॉइंट्स है आपको पहले लिखवा देता हूँ, बाद में ओके. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना. मतलब फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए. फर्स्ट जो बात है वो क्या है, द इंड्यूसिंग बॉडी विल नेवर लूज और गेन द चार्ज. इंड्यूसिंग बॉडी मतलब क्या हुआ, जिसने इंड्यूस किया है, दैट इज अ ग्लास रोड और अ प्लास्टिक रोड. हमारे पास जो ग्लास रोड था कौन सा, ये हमारे पास बॉडी थी, ठीक है, ये ए बॉडी थी, और यहाँ पे हम क्या लेके आए थे,
ग्लास रोड लेके आए थे। तो ये जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूसिंग बॉडी होती है। ये क्या होती है, इंड्यूसिंग बॉडी होती है। और ये होता है, ये क्या होता है, इंड्यूस्ड, मतलब इसके अंदर जो जो चार्ज इंड्यूस होगा, इसके अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो क्या चार्ज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज होगा। ओके ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ दोनों आगे आगे, इसमें पॉइंट है इसलिए मैं मतलब मैंने ये लिख लिया। ठीक है चलो, तो इंड्यूसिंग बॉडी मतलब क्या, ये जो ग्लास रोड जो हम लेके आए उसको इसके नज़दीक लेके आए। सो इंड्यूसिंग बॉडी विल नेदर गेन नॉर लॉस द चार्ज, उसका कोई उसके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब वो नहीं तो नहीं कोई चार्ज गेन करेगा और नहीं कोई चार्ज लॉस करेगा। ठीक है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, मतलब अगर यहाँ पे बॉडी पॉजिटिव है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर इसकी बॉडी नेगेटिव है तो यहाँ पे जो है चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इंड्यूस्ड चार्ज विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, किससे, इंड्यूसिंग चार्ज से, इंड्यूस्ड चार्ज है वो कैसा रहेगा, ऑपोजिट होगा। हमने सिंगल बॉडी वाला देखा था तो उसमें मैंने ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेके आया, तो हमें जो लास्ट जो बॉडी में चार्ज आ जाता है वो कैसा आ जाता है बताओ मुझे, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है ना, ये नेगेटिव आ जाता है, मतलब ऑपोजिट ही मिलेगा हमें चार्ज। थर्ड पॉइंट जो है कि देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इंडक्शन है ना कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट में ही हो सकता है, इट मे बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और वी कैन से इंसुलेटिंग, बट इट विल डज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द पार्टिकल। ओके, पार्टिकल में इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट ये है कि इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज, बॉडीज इधर इट इज अ कंडक्टिंग बॉडी और नॉन कंडक्टिंग बॉडी, बट नॉट इन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कभी इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। किसमें पॉसिबल नहीं है, इंडक्शन, तो पार्टिकल में इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। कोई भी बॉडीज में हम चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्टिकल में हम कभी चार्ज इंड्यूस नहीं करते हैं, नहीं कर पा सकते या नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट विल हेल्प इन नीट एग्जाम्स। ओके चलो, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग है, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, द थर्ड मेथड इज नथिंग बट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे ना इंसुलेटिंग बॉडी की बात करेंगे। कौन सी बॉडी की बात करेंगे, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन इंसुलेटेड बॉडी। देखो आप, ग्लास इंसुलेटेड है, प्लास्टिक इंसुलेटेड मतलब इंसुलेटर मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो हमें ऑब्जर्व मतलब हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलता है वो किस में मिलता है, जनरली हमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है वो इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या होता है कि जिसमें जो करंट फ्लो नहीं हो पाता है, चार्ज कैन नॉट फ्लो इनसाइड द बॉडी, दैट इज इंसुलेटर। ठीक है ना, तो ये जो हमें चार्जिंग मिल रहा है वो किस में मिलता है, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जनरली किस में ऑब्जर्वेशन मतलब किस में पाया जाता है, दैट इज इन द इंसुलेटर। ओके, सो वी कैन राइट हियर, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन अ इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर या फिर इंसुलेटेड बॉडी, इंसुलेटर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज हमने क्या किया, एक वूल ले लिया, ठीक है, वूल का क्लोथ ले लिया, है ना, वूल का क्लोथ ले लिया, और उसके ऊपर एक ग्लास रोड लेके हम आ गए। ठीक है, ग्लास रोड लेके आए। अभी देखो, ये वूल भी क्या था, मतलब इसके ऊपर का चार्ज कैसा था, जीरो। ग्लास के ऊपर का भी चार्ज कैसा था, जीरो। अभी क्या होता है कि यहाँ पे हम ये ग्लास रोड को हम किसके साथ, वूल के साथ रब करते हैं। क्या करते हैं, रबिंग हुआ, उसका मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ पे फ्रिक्शन आया, जहाँ पे रबिंग होता है वहाँ पे फ्रिक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल चार्ज ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एक्चुअल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलता है, ठीक है। एक्चुअल चार्ज ट्रांसफर दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका ट्रांसफर मिलेगा हमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो आफ्टर रबिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि हमारे पास वुल बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई, ठीक है, और हमारे पास जो ग्लास रोड है वो कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गया, ठीक है। आफ्टर रबिंग दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रोड टू वुल, ओके, और उसकी वजह से ग्लास रोड विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के इसके ऊपर आ गए, यहाँ से निकल के इसके ऊपर, मतलब ग्लास से निकल के वुल पे आ जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, जब हम क्या करेंगे, रब करेंगे, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पॉजिटिवली सॉरी ग्लास रोड विल बी ट्रांसफर्ड टू द वुल। समझ में आ गया, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द चार्जिंग मेथड, वी हैव चार्ज दिस बॉडी बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। अगर ये प्लास्टिक रोड होता तो क्या होता, अगर ये प्लास्टिक रोड होता तो हमारे पास जो वुल है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम प्लास्टिक रोड ले लेते हैं, तो ये वुल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता और जो प्लास्टिक रोड होता वो कैसा हो जाता, नेगेटिवली चार्ज। तो इन दिस कंडीशन वी कैन राइट द एक्चुअल फ्लो, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ओके, इन दिस कंडीशन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। एंड एक बात जो आपको नोट करके लिखनी है वो क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन, देखो अगर एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ पे, मतलब ग्लास रोड से वुल क्यों गया, है ना, ये वुल से ग्लास रोड में क्यों इलेक्ट्रॉन गए, तो उसके पीछे का भी रीजन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा ना वहां से वो ट्रांसफर होके कहां पे चला जाएगा, टू हायर वर्क फंक्शन, ठीक है ना, हायर वर्क फंक्शन। अच्छा तो अभी बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे जो ग्लास रोड है उसका वर्क फंक्शन फाई जी और यहाँ पे वुल जो है उसका वर्क फंक्शन हम लेते हैं फाई डब्ल्यू, तो किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो मुझे बताओ आप, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, उसका मतलब इसका कम होगा तभी यहाँ पे, इसका हायर होगा तभी ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। सो द वर्क फंक्शन ऑफ वुल विल बी हायर देन द वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास, ये कंडीशन हो जाएगी। और ये मतलब प्लास्टिक रोड की बात करें तो यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ वुल एंड हियर वर्क फंक्शन ऑफ प्लास्टिक, ओके। सो व्हाट इज कंडीशन हियर इज द वर्क फंक्शन ऑफ प्लास्टिक इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ वुल, तो इसलिए ग्लास जो है वो गेन कर देगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वुल लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर, समझ में आ गया ना, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया, चलो अभी एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं, खत्म करते हैं यहीं पे चैप्टर आज, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। ओके चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हम खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है,
अ पीस ऑफ पॉलिथिन इज रब विथ द वुल। पॉलिथिन का एक पीस ले लिया, उसको हमने किसके साथ, वुल के साथ रब कर दिया। अ चार्ज ऑफ माइनस 2 × 10⁻⁷ कूलम इज डेवलप्ड ऑन द पॉलिथिन। पॉलिथिन पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है, इतना चार्ज। ठीक है, तो हम गिवन डेटा पहले सब देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स के अंदर, तो सबसे पहले कि सपोज आपने कोई कोई हमारा कोई एक फर्स्ट चैप्टर ले लिया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर लिया, तो उसके सब फॉर्मूलाज पहले याद कर लो। सबसे पहले काम ये करना, द फॉर्मूलाज दैट विल बी कम इन दिस चैप्टर। ओके, सब फॉर्मूलाज आपने कर लिए। अभी फॉर्मूलाज हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि गिवन डेटा जो क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या फाइंड आउट करना है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन से वो पता चल जाएगा तुरंत कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है। उसके बाद किसी की ताकत नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, ठीक है ना। आपका बेसिक जो बात है वो बात ये है कि आपको सब फॉर्मूलाज जो भी चैप्टर्स में आते हैं वो आने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज सब आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो हम यहाँ पे पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द गिवन डेटा, वी विल राइट हियर गिवन डेटा इज फर्स्ट कंडीशन। देखो यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर इंड्यूस हो रहा है, पॉलीथीन के ऊपर, और वो कितना हो रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू −2 × 10⁻⁷ कूलम। किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर इंड्यूस होने वाला चार्ज, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड टू अ पॉलीथीन, क्या बोला है यहां पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास, कितना मास पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुआ। चलो इसको कैसे करेंगे, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, आपको ऑलवेज याद रखना है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड टू अ पॉलीथीन। क्या किया है, यहाँ पे पॉलीथीन का पीस ले लिया, यहाँ पे हमने वूल ले लिया, ठीक है, ये क्या था हमारा वूल। वूल को किसके साथ रब किया मैंने, पॉलीथीन के साथ, पॉलीथीन के साथ मैंने वूल को क्या कर दिया रब, या फिर पॉलीथीन को मैंने किसके साथ, वूल के साथ रब कर दिया। रबिंग होने के बाद देखो ये पॉलीथीन है और ये वूल है, पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक पोर्शन हो गया, और यहाँ पे बताया है कि इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो −2 × 10⁻⁷ कूलम आ जाता है। कितना चार्ज आता है, −2 × 10⁻⁷ कूलम, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई, इसके नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मान लेते हैं यहाँ से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, है ना, वूल से पॉलीथीन पे आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻³, उसको किसके साथ, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो फिर सबसे पहले हमें मास फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सपोज मास ऑफ द मास गेन्ड बाय पॉलीथीन विल बी कितना होगा, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी द टोटल मास ऑफ द, और टोटल मास ट्रांसफर्ड, ये क्या आ जाएगा, टोटल मास ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये दो
मतलब दो चीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वी नो द वैल्यू, और वी नो द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फाइंड. सो वी हैव अ फॉर्मूला फ्रॉम द क्वांटाइजेशन, फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई. ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करना है तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा. अच्छा, तो ई की वैल्यू क्या है वो आपको पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? दैट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम. ठीक है ना, ये 19 कूलम था. तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू, क्यू हमारी वैल्यू कितनी है, माइनस, मतलब माइनस अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 2 × 10^-7 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया, 1.6 × 10^-19. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से. हमें जवाब मिलेगा कुछ 1.25 × 10^2. कितना मिलेगा आंसर, जल्दी से सॉल्व करो. 10^-2 प्लस हो जाएगा, है ना, 10^12 मिलेगा, 10^12. ठीक है, नंबर, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे कितने, 1.25 × 10^12. क्लियर, ओके. अभी क्या करेंगे, ये नंबर यहाँ पे ये फॉर्मूला में हम रख देंगे तो हमें टोटल वैल्यूज मिल जाएगी. तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है. ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मुझे देखना पड़ेगा, दिख जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना. ये हो जाएगा 1.25 × 10^12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 × 10^-31 kg. अगर इसको सॉल्व करेंगे, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आता है आंसर, कितना आता है आंसर, आंसर आएगा 11.38 × 10^2. कितना होगा ये, 16, ये माइनस 31, -19 आएगा, ठीक है ना, -19 kg. क्लियर, तो ये आएगा अपना आंसर, समझ में आ गया ना, ओके. तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, क्लियर. नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है. तब तक आप क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है, तैयारी करते जाना है, और आपकी तबीयत को संभालना है, ठीक है, ओके. स्टे हेल्दी एट होम, ऑल द बेस्ट.